आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत 2003 नई दिल्ली शहर को दिखाते हुए होती है, जहां माता पिता अपनी माइनर बेटी के साथ कमला नगर पुलिस स्टेशन में रेप केस की कंप्लेंट करवाने आए हैं। एंड ये केस एक हाई प्रोफाइल केस होता है। अब ये लड़की अपने बारे में बताती है। इस लड़की का नाम नियो सिंह है और इसकी एज 16 साल है। एक दिन इस लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो साध्वी मीना ने इसके माता पिता को बोला कि इस लड़की पे भूत पिशाच का छाया है और इसका इलाज करवाने के लिए इन्हें बाबा से मिलना होगा। अब वो सभी बाबा से मिलने चले जाते हैं। आगे क्या होगा चलिए जानते हैं। पुलिस वाले बाबा को पकड़ने के लिए उसके आश्रम में आ जाते हैं, जिससे बाबा के प्रशंसक काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। अब हम पीसी सोलंकी को देखते हैं, जो कि भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं अपने बेटे के साथ। पीसी सोलंकी पेशे से एक एडवोकेट हैं। अब जब वो कोर्ट के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा राजस्थान सुनसान हो गया हो। कोर्ट पहुंचते के साथ ही वहां बाबा की एंट्री होती है। कोर्ट के बाहर बाबा के काफ़ी सारे प्रशंसक भी इकट्ठा होते हैं। जज बाबा को 15 दिन की पुलिस हिरासत में रहने की सज़ा सुनाते हैं। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए नीयू सिंह और उसकी माता पिता एक जगह पर छुप कर रह रहे थे। तभी उनका वकील वहाँ पर आता है और उन्हें सहानुभूति देता है, मैं बाबा को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो चाबी कमरे में ही भूल जाता है। अब जैसे ही नीयू सिंह के फादर वकील को चाबी देने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये वकील 10 करोड़ में बिक चुका है और अब वो उस वकील पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो ये बात पुलिस वालों को बताते हैं। अब एक महिला पुलिस उन्हें बोलती है कि सिर्फ एक ही आदमी पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो पुलिस वाली उन सबको पीसी सोलंकी के घर ले आती है। पीसी सोलंकी अब उनसे उस रात के बारे में सब कुछ पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, एंड जो सब उस लड़की के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा घिनौना और गलत था। इतना सुन के वो उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि ये केस बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है आपको जान से मारने की धमकी भी मिले, लेकिन आपको केस वापस नहीं लेना। अब नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग होती है, जहां शर्मा जो कि बाबा का वकील है जज के सामने सबूत रखता है कि नीयू की उम्र 18 साल है और वो माइनर नहीं है। लेकिन पीसी सोलंकी सही सबूत देकर साबित कर देता है कि नीयू 16 साल की माइनर लड़की है। अब हम ये देखते हैं शर्मा के पास लगातार बाबा के प्रशंसकों का कॉल आ रहा है, जो कि कितना भी पैसा देकर बाबा को कोर्ट से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह जब पीसी सोलंकी की आँख खुलती है, तो वो अखबार में यह देखता है कि बाबा ने हाई कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया है और इंडिया के सबसे बड़े वकील को अपने फेवर में ले लिया है। ये देखकर पीसी सोलंकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने बड़े वकील के सामने वो ये केस कैसे जीत पाएगा। अब कोर्ट हेयरिंग के सीन दिखाते हैं, जहां राम चंदवानी जो कि बाबा के वकील है, वो दिल्ली पुलिस पे झूठे एलिगेशन लगाते हुए ये केस सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए बोलते हैं। साथ ही बाबा को बेल दे दी जाए, इसके लिए कोर्ट के अंदर गुहार लगाते हैं। अब पीसी सोलंकी गुस्से में आकर पोस्को एक्ट के बारे में बताता है। अब कोर्ट में दोनों वकीलों के बीच में काफ़ी देर तक बहस होती है, एंड इस बहस की वजह से जज बाबा को बेल देने से मना कर देता है। ये सुनकर चंद्रानी गुस्से में जाने लगता है, तो सोलंकी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोलता है, सर एक सेल्फी, हा 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 व्हाट अ कूल गाय। इसी रात बाबा के दो प्रशंसक सोलंकी के घर आते हैं और उसको 20 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं, लेकिन सोलंकी गुस्सा करके उन दोनों को घर से निकाल देता है। अब कोर्ट में अगली हियरिंग होती है, जहां कुछ लोग बाबा के खिलाफ बयान देते हैं। अब बारी नीयू की फैमिली की थी बयान देने की। शर्मा कुछ ऐसे सवाल करता है जिसकी वजह से नीयू के फादर शर्मा पे कोर्ट में ही गुस्सा करने लगते हैं। यह देखकर शर्मा समझ जाता है कि नीयू का फादर बहुत गुस्से वाला है। अब बारी नीयू की आती है, तो शर्मा उससे ये सवाल पूछता है कि क्या तुमने अपने पापा के गुस्से से बाबा के ऊपर केस किया है, लेकिन नीयू अपनी बातों पर अड़ी रहकर सारे सवालों का सही जवाब देती है, जिससे शर्मा के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। अब कहानी में एक आदमी का नाम आता है, जो कि था महेश बहुचंदनानी। ये आदमी बाबा के पहले केस में विटनेस था, तो सोलंकी ये सोचता है कि इस आदमी की वजह से हमें बाबा के खिलाफ और भी सबूत मिल सकते हैं, लेकिन दो लोग महेश के ऊपर एसिड डाल देते हैं। ये न्यूज़ देखकर सोलंकी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। अगली सुबह जब सोलंकी अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करके अपना स्कूटर भगा लेता है। लेकिन वो दोनों लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी वो एक जगह पर रुकता है, इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है, तो वो दोनों बाइक वाले वहाँ से भाग जाते हैं और सोलंकी बच जाता है। अब हमें पता चलता है बाबा के लड़के को भी सूरत पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ बाबा किसी ना किसी तरह से जेल से बाहर निकलने के लिए हथकंडे अपना रहा था, कभी नीयू को 18+ बताकर, तो कभी बीमारी का बहाना लगाकर। लेकिन सोलंकी अपनी पूरी कोशिश के साथ उसका प्लान नाकाम कर रहा था। लेकिन इसी के साथ बाबा के प्रशंसक विटनेसेस को मारते जा रहे थे, जिसकी वजह से सोलंकी को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई, लेकिन सोलंकी अभी भी परेशान रहता है।
धीरे धीरे करके कहानी में 5 साल बीत जाते हैं। आखिरकार जजमेंट डे आ जाता है। बाबा के प्रशंसकों ने पूरे राजस्थान में दंगे करने शुरू कर दिए थे। मीडिया भी कोर्ट के बाहर पहुंच चुका था। शर्मा कोर्ट के अंदर बाबा के लिए सिंपति दिखाते हुए बोलता है कि बाबा ने जनकल्याण के लिए क्या क्या नहीं करा। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, यहाँ तक कि बाबा के आश्रम की वजह से काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिल पाया। एंड बाबा धर्म के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। ये सब शर्मा ने इसलिए बोला ताकि जज उसकी बातों में आ जाए और बाबा को बाइज्जत बरी, नहीं तो बेल तो जरूर दे दे। लेकिन अब बारी आती है सोलंकी की, जो कि बोलता है, इस देश में लड़कियों को सदियों से पीड़ित की तरह देखा गया है। न्यू में मुझे माँ काली दिखाई दी कि कैसे उसने बिना डरे, बिना किसी समाज की परवाह करे जो उसके साथ हुआ, निडर होके बताया। एंड योर ओनर, रेप एक ऐसा घिनौना काम है, अगर ये किसी लड़की के साथ हो जाए तो वो समाज में होने वाली बदनामी की वजह से चुप हो जाती है, नहीं तो सुसाइड कर लेती है। अब सोलंकी एक बात बोलता है, एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बोलती है कि ये रावण आपका इतना बड़ा भक्त था, तो आपने इसे क्यों नहीं बचाया। जिसके जवाब में महाकाल बोलते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक ऐसा पाप करता है जिसका प्रभाव जन्मों जन्मों तक रहे तो वो महापाप है। एंड रावण ने भी महापाप किया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। एंड ये बाबा कोई बाबा नहीं है, बल्कि ये एक कलयुग का रावण है और इसने महापाप किया है, इसको मौत की सजा होनी चाहिए। अब जज अपना फैसला सुनाते हुए बोलते हैं कि बाबा को आजीवन कारावास की सजा होगी एंड बाबा पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगे, जिससे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इस प्रकार से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।